हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 23rd of July 2021 के। तो बेस्ट इमेजेस आप यहां पे देख रहे हो, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। उसका प्राइस दोस्तों ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन एक बार आप चेक करें, मेरे कहने से आप खुद भी फील करेंगे कि बहुत ही कम प्राइस पे हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। 90 से 95% तक वो करंट अफेयर यहाँ पे कवर होगा जो आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। यही अफेयर्स क्लाउड की खासियत है। लेकिन दोस्तों, हम किस तरह से करंट अफेयर कवर करेंगे? डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज होगा जो कि आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर होगा, वीकली में भी 3 सेक्शंस होंगे, एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और क्विज होगा जो कि हर हफ्ते हम आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मंथली जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ मिलेगी। 2-3 लाइन में आप करंट अफेयर्स को आराम से कवर कर सकते हो और जल्दी जल्दी में रिवाइज कर सकते हो। हम टॉपिक वाइज पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होगी आपको एक ही पीडीएफ से मिल जाएगी। तो आप जिस भी टॉपिक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। बैंकिंग एस्पिरेंट्स जो हैं उनको 3 चीजें मिलेंगी, डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, ओनली बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज दे सकते हैं आप, ओनली बैंकिंग एंड इकोनॉमी का मंथली बेसिस पे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का एक ही पीडीएफ से कवर करने के लिए एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। हम आपको डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी मिलेंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टेट करंट अफेयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अपना स्टेट एग्जाम भी अच्छे से दे सको, और हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हैं। सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक दिया हुआ है, वहां से लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस बहुत कम है, उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ASH10 कोड का यूज करते हैं। और गाइस, इस नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। तो स्टार्ट करते हैं 23rd of July 2021 का करंट अफेयर। लेकिन यार, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इन 3 चीजों से आप हमें मोटिवेट करोगे, और साथ ही साथ जो है वो आप क्या करोगे, आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द गेम्स ऑफ 35th ओलंपियाड। मतलब यहां से क्लियर है कि 35th ओलंपियाड या 2032 की समर ओलंपिक्स को कौन होस्ट करेगा। देखो दोस्तों, हमें पता है कि 2020 की ओलंपिक्स जो है वो कहां पे हो रही है, क्योंकि वो स्टार्ट हो चुकी है, तो सारे बच्चों को पता है टोक्यो, और पहला आपको पता है सिल्वर मेडल भी हमारे पास आ चुका है। 2024 की जो हमारे पास ओलंपिक्स हैं वो कहां पे होंगी, पेरिस के अंदर होंगी, फ्रांस के अंदर, और 2028 की भी हमें पता है कि कहां पे होंगी, लॉस एंजल्स में होगी, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होनी है। तो अब 2032 की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, 35th ओलंपियड जो हमारे पास होगा, तो आपने बताना है कि ये कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। दोस्तों ये करेगा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, और एग्जैक्ट प्लेस कौन सा होगा, ब्रिस्बेन सिटी होगा। दोस्तों आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए कि कहां पे होने वाली है। तो कोई आपको जापान पूछ सकता है यहाँ पे 2020 का, तो टोक्यो भी पूछा जा सकता है, टोक्यो के ज्यादा चांसेस है, वैसे यहाँ पे ब्रिस्बेन के ज्यादा चांसेस है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रिस्बेन शहर है वो 2032 की ओलंपिक गेम्स को होस्ट करेगा, इससे इंपॉर्टेंट हो नहीं सकता क्वेश्चन। और ब्रिस्बेन को जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है 15 मेंबर की, उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर जो है वो डिसाइड किया गया 2032 की ओलंपिक जो है वो होस्ट करेगा, और ब्रिस्बेन सिटी जो है वो होस्ट करेगी। ये 3री बार हो रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वो ओलंपिक गेम को होस्ट कर रहा है, क्योंकि इससे पहले 1956 में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेलबर्न में हुआ था, मतलब मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हो गया, तो इसका मतलब उन्होंने होस्ट किया था। और 2000 में सिडनी गेम्स जो है वो हुई थी, मतलब सिडनी में जो है वो ओलंपिक्स हुई थी। तो 1956 में हुई थी, 2000 में हुई थी, अब 2032 में ओलंपिक्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड जो है वो ऑलरेडी 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स को भी होस्ट कर चुका है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां से क्लियर हो गई हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है, लुसान के अंदर। लुसान मतलब मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं स्विट्जरलैंड की। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर थॉमस बैक। और इस साल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ओलंपिक्स ईयर है यार, मतलब आपको पता होना चाहिए कि थॉमस बैक जो है वो क्या है, प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। लेकिन दोस्तों एक चीज आपने और याद रख लेनी है कि टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं क्योंकि उसका आगाज हो चुका है 23 जुलाई से 8 अगस्त, और एक मेडल भी आ चुका है आपको बताना चाहूंगा। और याद रखना है ये 32nd एडिशन था क्योंकि आपको पता है कि 33rd एडिशन कहां पे होना है, पेरिस के अंदर। 34th एडिशन कहां पे होना है, लॉस एंजल्स के अंदर। और 35th तो आज हमने कर ही लिया, ब्रिस्बेन में होना है। तो मतलब 2032 तक का हमें पता है कि कहां पे होना है। और 32nd एडिशन है, ये याद रखना, आपको पूछा जा सकता है। 24 अगस्त से पैरा ओलंपिक्स टोक्यो गेम्स स्टार्ट होंगी, वो 5 सितंबर तक चलेंगी, हमने इसको कवर किया है। मैस्केट क्या है, आपको पूछा जा सकता है कि सिंबल क्या है, सिंबल है मेरायतोवा। और पैरा ओलंपिक का क्या है, सुमेटी। अगर आप देखोगे एक कार्टून आपको दिखेगा तो वो है मेरायतोवा। तो इस टाइम पीरियड पे यस, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरायतोवा। और इसको अगर पिंक कलर में थोड़ा सा देखोगे, गर्लिश कलर में, तो वो आपको दिखेगा सुमेटी। तो ये है दोस्तों इसका समर ओलंपिक का मैस्केट, आपको पूछा जा सकता है ये मेरायतोवा। और सुमेटी जो है वो पैरालंपिक का है, तो ये याद रखोगे। कौन कौन सी गेम्स जो है वो डेब्यू कर रही हैं इसके अंदर, कराटे डेब्यू कर रहा है, स्केट बोर्डिंग डेब्यू कर रहा है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, और 4x400 मिक्स्ड रिले जो है ये पहली बार 2020 के ओलंपिक्स में जो है वो डेब्यू कर रहे हैं, मतलब पहली बार इन गेम्स को खेला जा रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्केट बोर्डिंग, याद रखना आपने। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की आगाज हो चुका है, तो इंडिया की तरफ से इंडिया के झंडे को किसने लहराया था ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से हैं, मैरी कॉम बॉक्सिंग से हैं, सबको पता है वो फ्लैग बीरर है, इंडिया के फ्लैग को उन्होंने होल्ड किया था ओपनिंग सेरेमनी में। और क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया जो कि रेसलिंग से हैं, वो क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पीरियड पे इंडिया के फ्लैग को लहराएंगे, इंडिया के झंडे को लहराएंगे, याद रखना आपने। और जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनस हैं दोस्तों, वो ओलंपिक लॉरियल अवार्ड जो है वो उनको मिला है 2020 का, ये याद रखना है, ओलंपिक लॉरियल अवार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनको 2020 का ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। साथ ही साथ ओलंपिक का मोटो याद रखना है क्या है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टूगेदर। ये टूगेदर ना पहले नहीं था, ये टूगेदर जो है वो बाद में ऐड किया गया, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से जो है वो याद रखना है दोस्तों, थोड़ा सा नहीं, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। और इसका लैटिन में मतलब क्या होगा, फास्टर का मतलब है सीटीएस, और हायर मतलब एल्टीट्यूड से लिया गया वर्ड है एलटीएस, फोर्टियस मतलब स्ट्रॉन्गर फोर्ट से लिया गया है, मतलब आप कह सकते हो कि एक किले से लिया गया है जो कि बहुत ही मजबूत होगा, और टुगेदर का मतलब कम्युनिस्ट, कम्युनिटी से वर्ड लिया गया है। तो याद रखना है दोस्तों ये लैटिन वर्ड्स हैं, और इंडियन ओलंपिक कमेटी सेशन जो टोक्यो के अंदर हो रहा है उसका ये ओलंपिक मोटो भी है। और बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनस हैं उनको ओलंपिक लॉरियल अवार्ड 2020 का दिया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पीरियड पे ही उनको दिया जाएगा। और मोहम्मद यूनस आपको पता है कि उनकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रही है एजुकेशन के अंदर, खास करके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और कल्चर डेवलपमेंट और पीस के अंदर भी जो है वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनस है उनको ये प्राइज दिया जाएगा। और फाउंडर माना जाता है इनको माइक्रो क्रेडिट का, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने का योगदान दिया जाता है। तो देखो कितनी चीजें हैं, मैं एक बार रब कर देता हूं, इसको इरेज कर लेते हैं, बता देता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं। 32nd एडिशन है, मैस्केट क्या है, मेरायतोवा, मैंने आपको दिखाया मेरायतोवा, ये आप देख सकते हो यहां पे। और सुमेटी जो है वो पैरालंपिक्स का है। कौन कौन सी गेम्स है, कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, 4x400 मिले, ये आपने याद रखना है, ये मिक्स्ड का है। मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह जो है वो ओपनिंग सेरेमनी पे, और बजरंग पुनिया जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया के झंडे को लहराएंगे। और मोहम्मद यूनस जो कि बांग्लादेश है उनको ओलंपिक लॉरियल अवार्ड दिया जाएगा 2020 का उनके योगदान के लिए। और मोटो क्या है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। कई बार पूछ लेते कौन सा वर्ड बाद में ऐड किया गया था, टुगेदर बाद में ऐड किया गया था। फिर से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में सारी चीजें आपको बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, सारी चीजें हो चुकी हैं। विच सिटी वॉज रिसेंटली डीलिस्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से उस जगह को निकाल दिया गया है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आज तक ऐसा 2 बार ही हुआ था, अब ये 3री बार हो रहा है कि किसी जगह को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी से या साइट से निकाला गया है।
तो दोस्तों ये होगा आंसर लिवरपूल मैरिटाइम मर्केंटाइल सिटी। तो याद रखना है कहां पे है ये, यूनाइटेड किंगडम के अंदर लिवरपूल, जहां पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। आप कह सकते हो कि वहां पे जो है वो क्लाइमेट को नुकसान हो रहा है, जिसके कारण जो है वो लिवरपूल को निकाल दिया गया है। याद रखना आपने इस बात को। तो आप यहां पे देख सकते हो यूनेस्को रिमूव्स लिवरपूल मैरिटाइम मर्केंटाइल सिटी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी से निकाल दिया गया है। तो ऐसा पहले दो बार हो चुका है। अदरवाइज ये डीलिस्टिंग प्रपोजल जो है वो 13 कंट्रीज ने जो है वो फेवर किया, मतलब अदरवाइज एक वोट ज्यादा थी, अगर कम हो जाती तो ये टाई कर जाता, एक वोट ज्यादा थी तो वो मतलब डीलिस्ट कर दिया गया। क्यों किया गया, जिसके अंदर जो है वो आप कह सकते हो इस एरिया की ओवर डेवलपमेंट हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसमें एक नया फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब इस जगह को खराब किया जा रहा है, जिसके कारण जो है वो ये लाइक लगभग इसको नुकसान हो रहा है, जिसके कारण इसको जो है वो इस लिस्ट से निकाल दिया गया है। और रिसेंटली जिसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर डाला गया है, उन्हें न्यूजीलैंड का एक पार्क, और उस पार्क का नाम क्या है, ते वाही पोनामो। तो किसी भी तरह से याद कर लें, ते वाही पोनामो पार्क, जो कि न्यूजीलैंड में, उसको रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। और न्यूजीलैंड से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल कॉर्नर पे आप देखोगे, यहां पे आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है उसको रिसेंटली डाला गया है डेंजर कैटेगरी के अंदर। देखो तीन चीजें आपको बताई हैं, किसको निकाला गया है वो है लिवरपूल, लिवरपूल सिटी कह सकते हो आप, किसको ऐड किया गया रिसेंटली, ते वाही पोनारो पार्क जो कि न्यूजीलैंड में, उसको ऐड किया गया है डेंजर लिस्ट के अंदर, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया को डाला गया है। तीनों क्वेश्चन अपने आप में जो है वो एक अलग अलग जगह पे इंपॉर्टेंस रखते हैं। और मेजर ट्रेडिंग सेंटर है दोस्तों लिवरपूल, जो आप यहां पे देख रहे हो, एंशियंट टाइम पीरियड पे लिवरपूल जो है वो मेजर ट्रेडिंग सेंटर रहा है 18th और 19th सेंचुरी के अंदर, खास करके जिसमें लाइक आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी था, पोर्ट मैनेजमेंट्स भी थे, बंदरगाहें थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको 2004 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया था। और मैं पहले बता चुका हूं ऐसे तीन बार हो चुका है इसको मिला के कि किसी और साइट को जो है वो यहां से निकाला गया हो। इससे पहले अरेबियन सेंचुरी थी, एक अरेबियन सेंचुरी थी, अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी आप कह सकते हो ओमान के अंदर, उसको डीलिस्ट किया गया था 2007 के अंदर। एक हमारे पास एल्ब वैली थी, एल्ब वैली या एल्बे वैली आप कह सकते हो जर्मनी के अंदर, उसको 2009 के अंदर निकाला गया। तो ये तीसरी साइट बन चुकी है जिसको डीलिस्ट किया गया है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु विल बी ऑनर्ड विद मोहन बगान रतन अवार्ड 2021। मोहन बगान आपको पता है ये जनरली फुटबॉल से जो है वो संबंध रखते हैं, लेकिन मोहन बगान रतन अवार्ड जो है वो 2021 जो है वो किसको दिया गया, ये दिया गया है शिवजी बनर्जी को, या शिवाजी बनर्जी को, किसी भी तरह से याद रख सकते हैं शिवाजी बनर्जी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मर इंडियन एंड मोहन बगान शॉर्ट स्टॉपर शिवाजी बनर्जी फुटबॉल प्लेयर हैं। आपको पूछा जा सकता है कौन सी गेम से ताल्लुकत रखते हैं, मोहन बगान से याद रखियो, एक बहुत ही फेमस फुटबॉल क्लब है। तो उनकी तरफ से इनको मरने के बाद जो है मोहन बगान रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया है, क्योंकि 2017 में इनका देहांत हुआ था, 1950 में इनका जन्म हुआ था, तो इनको मरने के बाद ये अवार्ड जो है वो दिया गया, तो इसलिए पोस्थमसली जो है वो साथ में लिखा हुआ है। और ये गोलकीपर रहे हैं इंडियन फुटबॉल टीम के, तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है। उनको जाना जाता है जब उन्होंने ब्राजीलियन फुटबॉल बॉलर थे पहले, आपको आपने नाम सुना होगा, आई एम नॉट सो मच फैन ऑफ फुटबॉल, लेकिन फिर भी जो है वो आपने नाम सुना होगा पहले, तो उनका गोल जो है वो इन्होंने रोका था, जो कि मतलब बहुत ज्यादा फेमस हुआ 1977 में कि एक इंडियन प्लेयर पहले का गोल रोक पाए। और वो हमारे पास कौन थे, ये शिवाजी बनर्जी थे। और बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड भी दोस्तों दिया गया है रॉय कृष्णा को, क्योंकि इसमें और भी कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं। एक बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड दिया गया रॉय कृष्णा को, ये आपने याद रखना है, रॉय कृष्णा जो कि एक फिजियन फुटबॉलर हैं, कैप्टन भी रहे हैं मोहन बगान के, इंडियन सुपर लीग के अंदर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा 2020-21 में, तो इसलिए उन्होंने बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द अवार्ड जीता है इसी के अंदर। बेस्ट क्रिकेटर अवार्ड 2021 का मिला है बंगाल के एक स्किपर हैं जिनका नाम है अभिमन्यु एस वारन, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला है अभिमन्यु एस वारन को, जो कि मोहन बगान टीम को क्रिकेट के अंदर जो है वो जितवाया था इन्होंने वनडे टूर्नामेंट। बेस्ट एथलीट अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, बदीशा कुंडू को, बदीशा कुंडू को ये अवार्ड मिला है उनकी हर्डल्स और हाई जंप के अंदर, 100 मीटर हर्डल्स के अंदर और हाई जंप के अंदर उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जो है वो जीती थी, तो इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन बहुत नए इसके अंदर, मोहन बगान रत्न अवार्ड किसको मिला है, शिवाजी बनर्जी, कौन सी गेम से ताल्लुकात रखते हैं, फुटबॉल से ताल्लुकात रखते हैं,
बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड किसको मिला है मोहन बगान के अंदर, रॉय कृष्णा को, क्योंकि इन्होंने मोहन बगान टीम को जितवाया था। बेस्ट क्रिकेटर अवार्ड किसको मिला है, अभिमन्यु ऐश्वर्यन को, इन्होंने जो है वो क्रिकेट की मोहन बगान टीम को जितवाया था। और विदिशा कुंडू, इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था 100 मीटर हर्डल्स में और हाई जंप के अंदर, तो उनको ये अवार्ड दिया गया। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो है हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं और ये ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। आगे आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। आगे वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, 3D प्रिंटेड का आपको पता है कि आजकल 3D प्रिंटिंग चल रही है, मशीन से जो है वो आपका जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं 3D प्रिंटिंग। तो स्टील ब्रिज जो है वो तैयार किया गया, उसको ओपन कर दिया गया लोगों के लिए, और वो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली जो है वो किया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे जितना स्लाइड में लिखा हो उतना याद कर लें। ये रिसेंटली दोस्तों ओपन किया गया है कौन सी कंट्री के अंदर, ये आपने बताना है। तो दोस्तों जगह का नाम हमारे पास क्या है, एम्स्टर्डम है, और एम्स्टर्डम आपको पता है कि कहां पे है, एम्स्टर्डम हमारे पास है नीदरलैंड के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रिज लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है, 12 मीटर का ये स्मार्ट ब्रिज जो है वो बनाया गया, हाईटेक सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं, इसको लिविंग लेबोरेटरी भी कहा गया है, जो कि कलेक्ट करेगा रियल टाइम डाटा जो भी उसके नीचे से पास हो रहा है, मतलब इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, तो ये ऊपर और नीचे होता है, जैसे कोई नीचे से गुजरेगा तो उसका पता लगेगा। द डेटा विल बी यूज्ड बाय द डिजिटल ट्विन, ए कंप्यूटर मॉडल विच विल इमीडिएट द एक्चुअल ब्रिज इन रियल टाइम टू इम्प्रूव एक्यूरेसी ओवर टाइम। मतलब ये डाटा जो है वो एक कंप्यूटर में जाएगा, उसके बाद ये रियल टाइम बेसिस पे एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा, आगे जाके जो है वो ये नीदरलैंड्स को लाभ दे सकता है। मतलब उनको पता होगा कि कौन सी चीजें गई हैं, इवन क्राइम के टाइम पर हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये आप कह सकते हो कि एम्स्टर्डम का एक मेन जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी रहेगा। तो याद रखना है ये 3D प्रिंटेड पूरे वर्ल्ड का पहला ब्रिज जो है वो बनाया गया एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स के अंदर, सिर्फ इतना याद कर लें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो कौन सी कंट्री की तरफ से जो है वो लॉन्च किया गया है, ये आपने जो है वो बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि कौन सी कंट्री ने इसको लॉन्च किया है, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में कार्बन ये जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है या कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है ये होता क्या है। तो ये दोस्तों रिसेंटली लॉन्च कौन सी कंट्री ने किया है, चाइना ने। तो आप कह सकते हो कि चाइना एमिशन ट्रेडिंग स्कीम हैज रिप्लेस द यूरोपियन यूनियन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। और यहाँ पे आपने याद रखना है एमिशन ट्रेडिंग का मतलब कार्बन एमिशन की हम बात कर रहे हैं, और इससे पहले यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा था, लेकिन अब चाइना का सबसे बड़ा सिस्टम जो है वो सामने आ चुका है। वर्ल्ड बिगेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैस का, आपको पता है चाइना, और चाइना ने ये कहा है कि हम पूरी इकोनॉमी को डीकार्बनाइज कर देंगे, कौन से ईयर तक, 2060 तक, कर भी सकते हैं, डीकार्बनाइज कर देंगे 2060 तक। और इस सिस्टम का जो अगर आप कहोगे कि जो ये हमारे पास एमिशन ट्रेनिंग सिस्टम बनाया गया है, ये पावर सेक्टर को फिलहाल जो है वो कवर करेगा, धीरे धीरे करके ये और सेक्टर्स में भी जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा कि जो 2200 मतलब कह सकते हो 2200 पावर फर्म्स हैं वो ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करती हैं चाइना की, तो वो देखेंगे कि ये जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें कितना कार्बन जो है वो साथ में ट्रेड हो रहा है, मतलब कितना कार्बन जो है वो एमिट हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा पैसे जो है वो उस कंपनी को देने पड़ेंगे, मतलब इसका मकसद ये है। तो इसका मतलब कार्बन धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करोगे उन चीजों का जिसके ऊपर जिसमें कार्बन यूज हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और 2060 तक का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। और चाइना ने हार्वेस्ट की है फर्स्ट बैच ऑफ स्पेस राइस, ये देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये इन्होंने फर्स्ट बैच ऑफ स्पेस राइस जो किया है वो इन्होंने एक आप कह सकते हो कि स्पेसक्राफ्ट भेजा था, एक मिशन था जिसका नाम था चैंग ई, वैसे इसको चेंज बोला जाता है याद रखने के लिए, अदरवाइज चैंग ई 5 है या चैंग 5 बोल सकते हो इसको, या चेंज 5 बोल सकते हैं। और राइस जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में स्पेस में रखा गया जहां पे ये इजिली जो है वो बढ़ सके, और जब इसको अर्थ पे लेके आएंगे तो इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो या प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो स्पेस राइस जो है वो सबसे पहले चाइना ने जो है वो हार्वेस्ट किया है। और याद रखना है दोस्तों एमिशन ट्रेडिंग जो है वो एक मार्केट बेस्ड अप्रोच है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकें, मतलब जो कंपनीज जो है वो कार्बन को छोड़ रही हैं और कार्बन को ट्रेड कर रही हैं, कोई भी कमोडिटी को ट्रेड कर रही है, कार्बन को इधर उधर बेच रहे हैं, तो उनको एक्स्ट्रा पैसे जो है वो देने पड़ेंगे, उसके ऊपर प्राइस लगाया जाएगा।
तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, चाइना होगा। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इन्हीं तीन चीजों से आप हमें मोटिवेट भी करोगे और सपोर्ट भी करोगे। और गाइस हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड यूनेस्को's हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। तो याद रखना है कौन सी स्टेट ने इसको लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है कि जिसमें नाम रखा गया हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप, और ये दोस्तों किया गया है मध्य प्रदेश की तरफ से। याद रखना है कौन सी स्टेट की तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से। इसमें बहुत सी जो है वो स्टेट्स के प्रोजेक्ट हैं, बहुत सी कंट्रीज के प्रोजेक्ट हैं, टोटल इसके अंदर 10 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें इंडिया के भी हैं कुछ, लेकिन ये इसको लॉन्च किसने किया है, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप। ये ग्वालियर और ओरछा फोर्ट जो कि रिसेंटली यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट के अंदर डाले गए थे, उसको कंजर्व करने के लिए जो है वो ये किया गया है। इट इज फॉर द सिटी ऑफ ग्वालियर एंड ओरछा। याद रखना है ग्वालियर एंड ओरछा जो है वो 8th और 9th सिटी जो है वो एड की गई थी इस प्रोजेक्ट के अंदर, एशिया पैसिफिक एरिया के अंदर। और ये सिटी जो है वो ज्वाइंटली डेवलप की जाएगी यूनेस्को की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि साइट को हमने डेवलप करना है, कंजर्व करना है, बचा के रखना है, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का एक हिस्सा बन चुकी है। और इसको यूनेस्को बचाएगा और साथ में कौन बचाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने इनिशिएटिव करेगी। और एक कैटेगरी है इसकी एशिया पैसिफिक कैटेगरी के अंदर, उसके अंदर टोटल 10 जगहें ऐसी चुनी गई हैं जिसको यूनेस्को और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलप करेगी अलग अलग कंट्री की। जैसे इंडिया की मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वाराणसी सिटी आ जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर हैदराबाद सिटी आ जाएगा, इसके अंदर एक हमारे पास मध्य प्रदेश के दो जगहें आ जाएंगी, एक तो ओरछा फोर्ट आ जाएगा, एक हमारे पास कौन आ जाएगा, ग्वालियर फोर्ट। तो ये आपने याद रखना है कि कौन कौन सी सिटी इसके अंदर आएंगी। और हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप का दोस्तों यही मतलब है कि जो हिस्टोरिकली और कल्चरल साइट्स हैं उनको इम्प्रूव अच्छे तरीके से किया जा सके, उनको डेवलप किया जा सके, ताकि उनको किसी ना किसी तरह से फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखें। और आपको चीफ मिनिस्टर पता लग ही चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो स्माइलिंग फेस शिवराज सिंह चौहान जी का। और गवर्नर यहाँ पे कौन है, रिसेंटली दोस्तों नए अपॉइंट किए गए, नाम याद रखना है कौन है, मंगूबाई, कौन है, मंगूबाई पटेल, किसी भी तरह से इसको याद कर लें। और दोस्तों यहाँ पे नेशनल पार्क तो बहुत ज्यादा हैं, कुन्नो नेशनल पार्क है, और कुन्नो पूरे वर्ल्ड का ऐसा पहला नेशनल पार्क बन गया जिसमें चीता को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है दूसरे कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका से जो चीते हैं उनको क्या किया जाएगा, कुन्नो नेशनल पार्क में लेके आ जाएंगे। और ऐसा पहली बार हो रहा है किसी जानवर को किसी और कॉन्टिनेंट से लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कान्हा नेशनल पार्क तो आपको याद ही होगा, यहीं पर आपको मिलेगा शिवपुरी नेशनल पार्क, शिवपुरी नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, और सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया जो है वो भी किसका है, मध्य प्रदेश का है। याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश में और भी बहुत से नेशनल पार्क्स हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पेंच टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, बहुत है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु रोट ए न्यू बुक टाइटल द इंडिया स्टोरी, किसने इस बुक को लिखा है। फिर से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, और ये दोस्तों आपको हिंट देता हूं एक, ये गवर्नर रह चुके हैं पुराने किसके, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के 1997 से लेके 2003 तक। तो नाम अगर आप यहां पे सोचोगे तो याद आ जाएगा, क्योंकि एक कमेटी भी है और उस कमेटी का नाम है बिमल जलान कमेटी। तो आंसर क्या होगा इसका, बिमल जलान ने ये बुक लिखी है द इंडिया स्टोरी। तो आप देख सकते हो द इंडिया स्टोरी कवर पेज है इस बुक का, बिमल जलान ने इस बुक को लिखा है, एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें बहुत से टॉपिक्स के बारे में बताया हुआ है कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स या गुड गवर्नेंस जो है वो किस तरह से की जा सकती है। और इसमें यह भी बताया गया कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो इंडिया में बनाई गई हैं 1991 से, जब से एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुई, और 2019 तक क्या क्या पॉलिसीज जो है वो इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट हुई हैं, ये सारी चीजों के ऊपर जो है वो इसमें फोकस किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि रिसर्च एंड डेटा जो कि आरबीआई के गवर्नर के हिसाब से जो है या उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जरूरी होता है, वो भी थोड़ा सा इसमें बताया गया है। तो इसमें इंडिया की पुरानी हिस्ट्री और बताता है कि किस तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमी को हम अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल याद रखना इस बुक को, क्योंकि बिमल जलान जो है वो यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1997 से लेकर 2000 तक ये गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं ये 2003 से लेकर 2009 तक, राज्यसभा के मेंबर इनको नॉमिनेट किया गया था तो तब भी ये रह चुके हैं। तो इसलिए याद रखना है, बहुत ही अच्छा करियर जो है बिमल जलान का रहा है और बहुत सी कमेटीज में इनका नाम है। लेकिन जो आप ये बुक्स देख रहे हो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइक शिवशंकर मेनन, इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी थी इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, याद रखना है
इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट। रवि शास्त्री जो कि इंडियन मेन टीम्स के कोच हैं, मेन मेंस टीम के, आजकल राहुल द्रविड़ हैं लेकिन अदरवाइज उनको रवि शास्त्री है मेन, तो इन्होंने बुक लिखी थी स्टार गेजिंग। तो याद रखोगे स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, कि कौन कौन से बंदों ने जो इन्फ्लुएंस किया मुझे लाइफ के अंदर। विक्रम सम्मत मतलब हिस्टोरिकल हैं, हिस्ट्री से लेकर बुक लिखी है, वीर सावरकर या विक्रम दामोदर सावरकर से रिलेटेड इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम ही क्या रखा गया, सावरकर। ये सेकंड पार्ट लिखा है उन्होंने 1924 से लेकर 1966 तक का, इससे पहले वो एक पार्ट लिख चुके हैं जब से उनका जन्म हुआ 1924 तक का। तो याद रखना है सावरकर, स्टार गेजिंग और इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये रवि शास्त्री वाली, ये आपको क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट लॉन्च दलित बंधु स्कीम, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है जिसका नाम क्या है, दलित बंधु स्कीम। कौन सी स्टेट ने इसको लॉन्च किया है ये आपने मुझे बताना था कि किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है। तो दोस्तों आंसर इसका बहुत सिंपल है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के चंद्रशेखर राव। तो याद रखना है के चंद्रशेखर राव ने इसको लॉन्च किया है, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं। और दलित बंधु नाम से पता लग रहा है कि किसके लिए स्टार्ट की गई है, ये शेड्यूल कास्ट के लिए, दलितों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और ये स्कीम कहाँ से लॉन्च की गई है, हुजराबाद से, जो कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पायलट बेसिस पे जो है इसको लॉन्च किया गया, डेमो बेसिस पे लॉन्च किया गया, धीरे धीरे करके तेलंगाना की और भी जगह पे इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और इसको दलित एम्पावरमेंट स्कीम भी आप कह सकते हो। और इसका मेन एम यही है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो शेड्यूल कास्ट या दलितों को प्रोवाइड की जा सके, ताकि उनको फाइनेंशियली स्टेबल बनाया जा सके। और इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए कैश दिया जाएगा हर फैमिली को, और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, उनके अकाउंट में डायरेक्टली पहुंच जाएंगे बैंक अकाउंट के अंदर, जो भी बेनिफिशियरी इसके अंदर सामने आएंगे। तो दलितों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ऐसा हो रहा है, और इसमें 2000 करोड़ रुपए जो है वो सेंक्शन सरकार की तरफ से कर दिए गए हैं। तो याद रखना है दोस्तों, चीफ मिनिस्टर आपको पता लग गया है के चंद्रशेखर राव हैं, गवर्नर यहाँ पे हैं तमिलीसाई सौंदर्यरंजन। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा मृगावनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को नहीं पता होता मृगावनी कहाँ पे है। एक आपको मिलेगा यहाँ पे काशु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, ये तीनों आपको कहाँ पे मिलेंगे, तेलंगाना के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे आएंगे, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड नौका, तो आपके पास कीवर्ड आ गया नौका, टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे किस कंट्री ने अपना एक, आप कह सकते हो कि स्पेसक्राफ्ट कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि अपना जो है वो एक व्हीकल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, नौका। और ये कौन सी कंट्री ने किया दोस्तों, ये रशिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है, रॉसकॉस्मोस। तो आपको पता होना चाहिए रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रॉसकॉस्मोस। उन्होंने एक मल्टीपर्पज लेबोरेटरी मॉड्यूल भेजा है जिसका नाम क्या है, नौका। और कहाँ पे भेजा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वैलिडिटी कब तक की है, 2024 तक की, याद रखना है, क्योंकि चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है और वह कह रहा है कि 2022 के एंड तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो नौका जो है वो रशिया का लार्जेस्ट स्पेस लेबोरेटरी रहेगी, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहेगी। और ये मतलब कह सकते हो जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, या जितने भी कोई मेंबर्स को हम स्पेस में भेजते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, तो वहाँ पे वो अपनी टेस्टिंग, अपने एक्सपेरिमेंट जो हैं वो कर सकते हैं। और रशिया ने फर्स्ट मॉड्यूल जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया था, वो था जरिया या जारिया, तो वो 2000 में लॉन्च किया था। और ये जो नौका है ये बेसिकली 22 टन का मॉड्यूल है, जो कि 2007 में जो है वो पहले बेचना था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण जो है वो अब कंप्लीट हुआ। अब देखो 2007 की तैयारी थी भेजने की, लेकिन 2021 में जा रहा है, तो अब देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना जो है उसने किया होगा, 2021 में इसको बनाया गया। और रशिया का एक मॉड्यूल और भी गया था जिसका नाम क्या था, रेजवेट, वो भी जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था, वो 2010 में भेजा गया था। तो रेजवेट, नौका, या कभी आप पढ़ो ये तीसरा जिसका नाम क्या है, जारिया, ये तीनों के तीनों किसके हैं, रशिया के हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा क्वेश्चन को, लेकिन रशिया की स्पेस एजेंसी की बात हो रही थी तो हमने इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर किया है। नेक्स्ट आते हैं, बुक टाइटल्ड ओवर इट, हाउ टू फेस लाइफ हर्टल्स विद ग्रिट हसल एंड ग्रेस। तो आपने सिर्फ इतना ही याद करना है ओवर इट, ताकि आपको बुक का टाइटल याद रहे और आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो ये बुक किसने लिखी है ये आपने बताना है, और ये बुक लिखी है किसने, लोलो जोन्स ने। तो दोस्तों नाम जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि किसने इस बुक को लिखा है।
लोलो योन्स जो कि एक यंग एथलीट के तौर पे जानी जाती थी और उन्होंने इस बुक को ऑथर किया है। इसके अंदर स्पेशली उन्होंने काफी चीजों के बारे में बताया है, आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने इस बुक को लिखा और बुक का नाम क्या है, ओवर इट। और उन्होंने बताया कि किस तरह से ओलंपिक गेम्स में जो है वो फेल हुई और किस तरह से उनके करियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में बताया हुआ है, और फेलियर को किस तरह से आप इनकरेजमेंट और चैलेंजेस के तौर पे लेके आगे बढ़ सकते हो और किस तरह से आगे बढ़ना है उसके बारे में बताया हुआ है, और किस तरह से उन्होंने अपने फेलियर्स को हैंडल किया है, किस तरह से आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि यार मतलब फेलियर से कभी भी नहीं डरना, उसी से जो है वो आप आगे बढ़ सकते हो, और डिफरेंस जो है वो आपके गोल में पहुंचने का और सक्सेस को एक्सपीरियंस करने का ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप उसको एक्सपीरियंस करते हो अपने स्ट्रगल के बाद तो आपको सक्सेस जो है वो बहुत आपको क्या करेगी, बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करेगी, और किस तरह से फेलियर को सक्सेस में बदलना है वो भी ये बुक आपको बताती है। तो एक तरह से आप कह सकते हो मोटिवेशनल बुक है। और इन्होंने वुमेन 100 मीटर हर्डल्स को पूरा किया था 2018 में बीजिंग के अंदर। बीजिंग आप कह सकते हो उस टाइम पीरियड पे समर ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा था 2008 में, और 2012 में लंदन ओलंपिक्स के अंदर भी जो है वो इन्होंने 100 मीटर हर्डल्स को जीता था, और 2014 में इन्होंने विंटर ओलंपिक्स के अंदर भी जो है वो सोची जब रशिया में हुई थी तब भी इन्होंने उसको जीता था। तो सिर्फ नाम याद रखना है, क्या नाम है इनका, लोलो जोन्स। और दोस्तों बाकी जो नाम देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइक आप अवतार सिंह बसीन का नाम देख रहे हो, इन्होंने एक बुक लिखी थी इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, नेहरू तिब्बत और चाइना, ठीक है याद रखना है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। आकाश रानी सन ने एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर बुक लिखी थी, उसका नाम है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड, मतलब किस तरह से क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कर रहा है और किस तरह से इसको दूर कर सकते हैं। रस्किन बॉन्ड बहुत सी बुक्स लिखते हैं, चिल्ड्रन के ऊपर लिखते हैं, बच्चों के लिए बुक लिखते हैं, दो बुक्स का जिक्र करूंगा, इट्स ए वंडरफुल लाइफ बच्चों के लिए ये बुक लिखी थी, एक और लिखी थी ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, फिर से एक बुक बच्चों के लिए, तो रस्किन बॉन्ड याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर, हु एड्रेस द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज समिट 2021, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट जो है वो किसने जो है वो एड्रेस की है ये आपने मुझे बताना है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुई है, और इसको जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट को किसने होस्ट किया है दोस्तों, एड्रेस किसने किया है, इसको एड्रेस किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आंसर तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, आंसर क्या हो गया, वेंकैया नायडू। तो आंसर दोस्तों क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है देश के, उन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट को क्या किया है, एड्रेस किया। आप देख सकते हो यहाँ पे वेंकैया नायडू जी हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो नए एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने जो है वो इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट को जो है वो क्या किया, आगे बढ़ाया, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज किए इसने किया है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने, जो कि कहाँ पे है, सोनीपत हरियाणा के अंदर है। और थीम क्या था इसका, यूनिवर्सिटीज ऑफ द फ्यूचर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट। अगर याद रह गया तो ठीक है, अदरवाइज आपने फर्स्ट याद रखना है यूनिवर्सिटीज ऑफ द फ्यूचर। इसमें स्पेशली 30 अलग अलग थीम रखे गए हैं जिससे रिलेटेड यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बीच में डिस्कशन हुई है। इसमें 6 कॉन्टिनेंट से 25 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, और जो वेंकैया नायडू जी हैं उन्होंने स्पेशली बताया है कि किस तरह से हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल कर सकती हैं। लाइक ग्लोबल चैलेंजेस हमारे पास क्या हैं, पॉवर्टी है, पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, आप कह सकते हो कि क्लीन एनर्जी है, इन चैलेंजेस को टैकल किया जा सकता है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 जो है वो किसने एड्रेस किया है, वेंकैया नायडू जी ने उसको एड्रेस किया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, NSE फाउंडेशन मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फाउंडेशन, यूनिसेफ आ गया, एक नीति आयोग आ गया, इन्होंने तीनों ने मिलकर COVID-19 वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया है जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट कवच। वो कितनी एस्पिरेशनल मतलब कितने आकांक्षात्मक जिलों के अंदर जो है वो उसको स्टार्ट किया गया है ये आपने जो है वो आंसर में बताना है। तो दोस्तों ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया गया, मतलब 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया गया है, जिसमें से 2 जो है वो कहाँ की हैं, महाराष्ट्र की हैं, जैसे कि मैं नाम लिख देता हूँ लेकिन याद नहीं रखना, एक तो नंदूरबर है और एक हमारे पास ओसामनाबाद है, ओसामनाबाद 2 महाराष्ट्र की हैं, एक राजस्थान की है, राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है करौली डिस्ट्रिक्ट, तो राजस्थान में है, तमिलनाडु में एक आपको मिलेगा रमंथनपुरम, याद रखना है रमंथापुरम, और एक आपको मिलेगा नागालैंड के अंदर, नागालैंड के अंदर है किफिरे, याद रखोगे किफिरे। तो मतलब नाम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतने याद रखना है कितने आकांक्षात्मक जिलों के ऊपर प्रोजेक्ट कवर जो है वो कवर किया जा रहा है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फाउंडेशन, यूनिसेफ और नीति आयोग की तरफ से स्टार्ट किया गया है।
तो 5 आकांक्षात्मक जिले जो हैं वो चुने गए हैं इसके लिए। इसमें वैक्सीनेशन से लेकर जो है वो मतलब इनको अवेयर किया जाएगा। ये 5 जिले हैं आप देख सकते हो। ये वैक्सीन के लेकर जो लोगों में आप कहते हो हिचकिचाहट है, लोग डर रहे हैं, उससे अवेयरनेस क्रिएट करेगा कि वैक्सीनेशन किस तरह से आपको फायदा दे सकती है, और साथ ही साथ ये बताएगा कि किस तरह से जो यूथ है वो वॉलंटियर करके मतलब अपनी मर्जी से जो है वो लोगों को प्रेरित करें डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, और कम्युनिटी नेटवर्क्स बनाएं कि जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन से रिलेटेड कैंपेन चलाएं। और NSE फाउंडेशन जो है वो सब्सिडरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, थोड़ा सा याद रखना है, और रिस्पॉन्सिबल है किस काम के लिए, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें ये पैसा जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खर्च किया जाता है कॉरपोरेट्स की तरफ से, उसके ऊपर जो है वो ये एक्टिविटीज़ को देखता है। और NSE का हेडक्वार्टर आपको पता ही है मुंबई महाराष्ट्र में है दोस्तों। और यूनिसेफ के बारे में यहाँ पे याद रखना है, यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और साथ ही साथ इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कौन है, हेनरिटा फोर, तो ये याद रखोगे। और इसमें और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग के बारे में तो आपको पता ही है, NSE फाउंडेशन मैंने आपको बता दिया है, तो नीति आयोग के बारे में भी देख सकते हो। 2015 1 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर जी चेयरमैन होते हैं, और इसके करंट जो हैं वो CEO हैं अमिताभ कांत, और इसके जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार। तो याद रखेंगे, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है, ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रश्मि रंजन दास 25 लोगों में से एक चुने गए हैं, किसके अंदर, यूनाइटेड नेशन की जो टैक्स कमेटी है। सिर्फ एक नाम देख सकते हो, रश्मि रंजन दास जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, उनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन टैक्स कमेटी के अंदर, जिसके अंदर जो है वो 25 ग्लोबल एक्सपर्ट जो है वो चुने गए हैं। और इस कमेटी का पहले नाम होता था यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन टैक्स मैटर। तो 25 एक्सपर्ट जो चुने हैं वो जो यूनाइटेड नेशन के हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेर्स, उनके द्वारा जो है वो चुना गया है। और इनका टाइम पीरियड कितना होगा, 5 साल का होगा, 2021 से लेके 2025 तक, तो ये टाइम पीरियड के लिए इनको चुना गया है। और कमेटी क्या काम करेगी, जो इंटरनेशनल टैक्स मैटर्स है उसको प्रमोट करेगी, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, नाम जरूर याद रखें, रश्मि रंजन दास या RR दास। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला है पाई अप्रोक्सीमेशन डे 2022 जो है 2021 जो है वो हमारे पास 22 जुलाई को मनाया गया। तो पाई अप्रोक्सीमेशन डे 22 जुलाई को क्यों मनाया गया, तो अगर आप पाई की वैल्यू देखोगे तो हम 22.7 लेते हैं, तो इसमें कुछ याद करने वाली नहीं है। 22/7 मतलब 22, 7 मतलब जुलाई, तो 22 जुलाई को ऑनर किया जाता है पाई को, जो कि ग्रीक अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है, और अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पाई की 3.14 उसको हम कंसीडर करते हैं, तो उसको एज ए प्लीजिंग वे मैथमेटिकली लिया गया, तो इसलिए इसको सेलिब्रेट किया था 22 जुलाई में, आपको बता चुका हूँ क्यों लिया गया है। नेक्स्ट आता है फॉर्मर क्रिकेटर मिशेल होल्डिंग ऑथर्स न्यू बुक व्हाई वी नील हाउ वी राइज, तो फिर से एक बुक लिखी गई है, लेकिन आपने याद रखना ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं माइकल होल्डिंग कह सकते हो, मिशेल होल्डिंग कह सकते हो, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है व्हाई वी नील हाउ वी राइज। तो इसमें बताया गया है कि रेसिज्म जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में बताया गया है, किस तरह से इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, और जनरेशन के थ्रू किस तरह से इसको टैकल किया गया है, तो इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया लॉन्च्ड हीरोज कनेक्ट वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो हॉकी इंडिया की तरफ से सिलेक्ट किया गया है, तैयार किया गया है, और वो क्या है, वो है हीरोज कनेक्ट। मतलब इसमें क्या किया जाएगा, एक डेटाबेस सारे प्लेयर्स का, सारे प्लेयर्स का, चाहे वो मेन हैं चाहे वुमेन हैं इस गेम के संबंधित, तो वो उसको इकट्ठा किया जाएगा उस डाटा को, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो फॉर्मर और करंट इंडियन हॉकी प्लेयर्स होंगे उनके अंदर डिस्कशंस करवाई जाएंगी, ताकि आपस में मोटिवेशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो सके। और इस प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना है हीरोज कनेक्ट, नाम से पता लग रहा है कनेक्ट हो रहा है, कौन, मेन्स और वुमेन टीम के प्लेयर्स आपस में, फॉर्मर या करंट प्लेयर्स कनेक्ट हो रहे हैं। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है आकाश का NG मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब दो चीज़ों का उन्होंने यहाँ पे टेस्टिंग की है, एक तो आकाश NG मतलब न्यू जनरेशन मिसाइल जो है वो टेस्ट की है, आकाश याद रखना है, आकाश जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, और उसका टेस्टिंग हुआ है। और एक हमारे पास हुआ है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका नाम क्या है, MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब आप अपने शोल्डर पे रख के भी जो है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का यूज कर सकते हो, इसलिए इसका नाम है मैन पोर्टेबल। तो इसकी जो रेंज है आकाश की वो आपको पता ही है 60 किलोमीटर तक जो है वो पहुंच जाएगी, और इसकी जो स्पीड है वो 2.5 मैक तक रहेगी, 2.5 मैक मतलब 2.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, तो उसको हम कहते हैं मैक, उसमें मैक को डिनोट करते हैं। और जो हमारे पास ये है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये लो वेट मिसाइल है,
क्योंकि इसको आप अपने शोल्डर पे कैरी करके भी जो है इसको यूज किया जा सकता है। इसकी रेंज जो है वो 2.5 किलोमीटर रहेगी। नेक्स्ट, नासाज न्यू स्पेसक्राफ्ट निया स्काउट NEA NEA SCOUT टू लॉन्च इन नवंबर 2021 एज ए पार्ट ऑफ आर्टिमिस वन। तो आर्टिमिस वन मिशन जो कि नासा का अनक्र्यूड टेस्ट फ्लाइट मिशन होगा, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम होगा जिसमें स्पेस किस तरह से फॉर्म हो उसके बारे में हमें पता लग सकता है। और नासा का ये लाइक आप कह सकते हो कि ऑलरेडी मिशन है आर्टिमिस मिशन के थ्रू कि उन्होंने फर्स्ट वुमेन ऑन द मून 2024 तक जो है वो लैंड करना है। आर्टिमिस मिशन के थ्रू आर्टिमिस प्रोग्राम लॉन्च किया गया तो 2024 तक फर्स्ट वुमेन ऑन द मून जो है वो पहुंचाएंगे। फर्स्ट मैन ऑन द मून तो आपको पता है नील आर्मस्ट्रांग है, लेकिन फर्स्ट वुमेन ऑन द मून 2024 तक नासा भेजेगा, तो याद रखना है इसके बारे में। और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है यहाँ पे, बिल नेल्सन, ये आपने याद रखना है। और नया स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम क्या है, NEA स्काउट, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख सकते हो। नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्काउट है, नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्काउट जो कि आप कह सकते हो ऐसा पेलोड है जो आर्टिमिस वन में यूज किया जाएगा और नवंबर 2021 में आर्टिमिस वन को भेजा जाएगा। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री इश्यूज RFP फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 P-75 सबमरीन्स। तो सबमरीन्स का एक ऑर्डर दे दिया गया है और RPF का मतलब यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 P-75 जो आप कह सकते हो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं प्रोजेक्ट 75 के थ्रू। P-75 का मतलब प्रोजेक्ट 75 के थ्रू इंडियन नेवी के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो इंडियन मिनिस्ट्री ने ये जारी किया है और ये दो कंपनीज को जारी किया गया है, एक तो मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मतलब MDSL और एक लॉरेंस एंड टर्बो मतलब LNT को जारी किया गया और उसको रिक्वेस्ट किया कि 6 ऐसे हमें सबमरीन जो है वो बना के दें। आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं और 40,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 22 जुलाई के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज डाउटफुल एसेट, और मैंने आपको बताया था अगर आप NPA के बारे में जानते हैं तो डाउटफुल एसेट आपको पता होगा क्योंकि सबसे पहले यार कोई भी एसेट बनता है सब स्टैंडर्ड एसेट। अगर आप जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे हो तो आफ्टर 90 डेज बैंक जो है वो डिक्लेयर कर सकता है कि आपका जो स्टैंडर्ड एसेट है वो सब स्टैंडर्ड बन चुका है। सब स्टैंडर्ड मतलब फर्स्ट कैटेगरी NPA की, और ये कितने टाइम तक रहता है, 12 महीने तक रहता है। फिर 12 महीने के बाद जो है वो बैंक क्या डिक्लेयर कर सकता है इसको डाउटफुल, क्योंकि बैंक को ये डाउट हो जाता है पता नहीं पैसा वापस आएगा या नहीं। तो 3 साल तक ये यहीं रहता है, आफ्टर 3 ईयर्स ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉस NPA में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सब स्टैंडर्ड एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, सब स्टैंडर्ड एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, सब स्टैंडर्ड एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो क्लियर है कि अगर कोई सब स्टैंडर्ड एसेट जो है वो 12 महीने तक रह जाए तो मतलब सब स्टैंडर्ड के बाद ही डाउटफुल बनता है, तो 12 महीने तक अगर सब स्टैंडर्ड रह जाए तो उसको हम क्या कहना स्टार्ट कर देते हैं, डाउटफुल। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ पेइंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग लोन एंड एस्टैब्लिशिंग ए न्यू लोन। नया लोन ले लेते हैं पुराने लोन को पे करने के लिए, पुराने लोन पे कर देते हैं नया लोन ले लेते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है। तो आपने बताना है आंसर क्या होगा इसका, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और तीनों काम करने से आप हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करोगे। और वीडियो को साथ ही लाइक करने के बाद बेल बटन को प्रेस कर दें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बढ़ाएगा, और दोस्तों लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके काम नहीं करेंगे, हमेशा खुश रहें, खुश रहोगे तो आपका एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।